मेडिकल दाखिले में फर्जी एसटी प्रमाण पत्र को लेकर सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के अधिकारियों पर मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ही परिवार के 3 लोगों की आत्महत्या से मौत। आईजीआई एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ जवानों ने बचाई फ्रांसीसी नागरिक की जान। पुणे में 26 वर्षीय महिला एक तकनीकी विशेषज्ञ लॉज में प्रेमी द्वारा मार दी गई। सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी। मराठा कोटा आंदोलन, मनोज जारांगे ने महाराष्ट्र सरकार को ताजा चेतावनी जारी की। हनुमान ध्वज हटाने को लेकर भाजपा बजरंग दल के विरोध के बाद कर्नाटक के गांव में तनाव, सुरक्षा बढ़ा दी गई। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची ईडी की टीम। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए पटना स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। बंगाल केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का 7 दिनों के भीतर देश में सीए लागू करने का दावा, लिखित में दी गारंटी। नीतीश कुमार आरजेडी भाजपा ने बिहार के लोगों को धोखा दिया, असदुद्दीन ओवैसी। तमिलनाडु और पुडुचेरी में एनडीए सभी 40 सीटें जीतेगी, लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री का दावा। राहुल गांधी बीजेपी के लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का तंज।